क्या प्रश्न पूछो गुरु जी ने? हाँ नहीं कुछ ना मौके नहीं कुछ नहीं, क्या पूछ? जी हो गए आज हम तो हमको ज्यादा प्रश्न सोच के रखो आप इतना समय होगा तो हमें ज्यादा लगेगा गुरु जी रिंग का प्रश्न। और ये प्रश्न मत पूछना कि मेरे को सिद्धि हुई है नहीं मैं भी सब नहीं लोगों का नाम लेके लास्ट में यही बोलती हूँ सब लोगों के लिए हाँ रिंग को यूज कैसे कर? रिंग रिंग मैं मेरे कान में आवाज नहीं आ रही ये कह रहा हूँ उनको यूज कैसे करना है रिंग कैसे को करना है कैसे यूज करना है ये। तो वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं किसी को नहीं बताया वो तो बताऊंगा ना अभी सभी को रिंग का प्रयोग कैसे करना है साधना करते समय इसको पहनना है साधना करने के बाद उसको उतार के रख देना है इसका प्रयोग ऐसे करना हाँ वो वही पूछ रहे हैं। तुम्हारा कुल देवी देवता का है जी जी घर के कुल देवी देवता और नाम बोलो पितर हैं, नाम राधे कुमार। ये बच्चा हमारे जी मेरे सामने राधे कुमार बैठा हुआ है राधे कुमार का ये प्रश्न है कि इसके घर में इसके पितर उपस्थित हैं कुल देवी देवता पितर अलग हुए हैं कौन से जी की क्या चाहिए दोनों का दो प्रश्न हो गए मैं बच्चा हमारे जी आपसे प्रश्न करता हूँ राधे कुमार के घर के अंदर इसके जो पितर हैं वो उपस्थित हैं या नहीं है अगर हैं तो आप दाएं घूम जाएं नहीं है तो आप बाएं घूम जाएं नहीं है ठीक है दूसरा प्रश्न इनका यह है क्या इनके घर में इनके कुल देवी देवता उपस्थित हैं अगर हाँ तो आप दाएं घूम जाएं ना तो आप बाएं घूम जाएं नहीं गुरु जी कोई बंधक में कि क्या इनके कुल देवी देवता और पितरों के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन किया गया है जिसकी वजह से कुल देवी देवता और पितर इनके घर में नहीं है अगर हाँ तो आप दाएं घूम जाए ना तो बाएं घूम जाए ठीक है रुक जाइए घर का बंधन किया है आपके देवी देवता ठीक है जी ठीक गुरु आ जाओ आप लाइन से जो लाइन से प्रश्न आपको जाने के जाओ जल्दी जाओ पीछे से जल्दी जाना पीछे से जाओ जल्दी जाओ। गुरु जी मेरे पास हनुमान जी की ऊर्जा मेरे साथ है कि नहीं? शैलेन कुमार प्रश्न है ये काफी समय से हनुमान चालीसा का पाठ है और काफी मेहनत से हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी के सेवक है इनका प्रश्न ये क्या इनके साथ हनुमान जी की कृपा है हनुमान जी की ऊर्जा है अगर हाँ तो आप दाएं घूम जाएं ना तो आप बाएं घूम के बताएं ठीक है रुक जाइए गुरुदेव मेरा प्रश्न है मेरा बिजनेस बंद है वो कब से